press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सब कुछ महंगा हो रहा है, लेकिन एक इंसान की जान सस्ती होती जा रही है. यहाँ पाकिस्तानी शहरी की जान सस्ती होती जा रही है, और जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि किसी शहरी को उसका एक हक, बुनियादी हक, पानी, साफ पानी पीने का वो हक दिया जाए. लेकिन यहाँ पानी की किल्लत तेजी से हो रही है, और ऐसे में वाटर पॉलिसी बनती है, और ये पहली वाटर पॉलिसी होती है सोहेल साहब. ये पॉलिसीज तो मुल्क बनने के साथ ही बनना शुरू हो जानी चाहिए. सिक्योरिटी पॉलिसी हो, फॉरेन पॉलिसी, वाटर पॉलिसी, अब जाके बन रही है. अनिका, बिल्कुल अब जाके बन रही है. और इसका पहला ड्राफ्ट जनवरी 2017 में फाइनल किया गया था, पाकिस्तान की नेशनल वाटर पॉलिसी का. इस हकीकत से कतई नज़र के किन मुश्किलात से दो चार रही है हमारी ज़रात भी, पानी के लिहाज से भी, और जिस तरीके से हमारे आबी ज़खायर के अंदर पानी की गुंजाइश बड़ी तेज़ी से कम हो रही है, चूँकि वहाँ पे सिल्ट जमा हो रही है. भारत हमारे जो अपर अपीरियन के ऊपर जो हम बैठा हुआ है, वहाँ पर वो मुख्तलिफ मनसूबे तमीर कर रहे हैं. इन तमाम खदशात और ख़तरात के बावजूद आज तक हमारी नेशनल वाटर पॉलिसी मंजूर नहीं हुई. ये गुज़श्ता 1.5 साल की मेहनतों के बाद जो पॉलिसी का पहला ड्राफ्ट तैयार किया गया, 4 माह से मुश्तरका मफादात कौंसिल के सेक्रेटेरिएट में मौजूद था. गुज़श्ते रोज़ इसकी उम्मीद की जा रही थी कि ये मंजूर होने के बाद इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी. गुज़श्ते रोज़ के इजलास के अंदर एक तो टाइम कम था, चूँकि वज़ीर नवाज़ शरीफ़ साहब ने लिया पहुँचना था, एक कम उन्होंने वहाँ पर खिताब करना था. उस तरीके से इसके ऊपर बड़ी तफसीलन गुफ्तगू नहीं की गई, सरसी सी बातचीत हुई, और कहा गया इसके मज़ीद इसको भी इसके जायजा लेने की ज़रूरत है, तो वो अप्रूव ना हो सकी. इस पॉलिसी के अंदर बहुत से मसाइल को उजागर किया गया है, और बहुत सी चीज़ों के इस मसले से निपटने के लिए सजेशंस दी गई हैं. ये इस पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद करना नागुजीर हो चुका है पाकिस्तान के लिए. इस पॉलिसी में बताया गया कि 1950 के अंदर पाकिस्तान में पर कैपिटा पानी की जो दस्तयाबी थी वो 5200 क्यूबिक मीटर थी, जो आहिस्ता आहिस्ता कम होते हुए 1000 फीकस क्यूबिक मीटर तक रह गई है. और जो आलमी जो इंडिकेटर्स हैं, जिस मुल्क के अंदर आपने गजाई किल्लत से बचना हो, पानी की किल्लत से बचना हो, और उसके साथ साथ तवानाई बहरान से बचना हो, तो वहाँ पे पानी की कम से कम अवेलेबिलिटी 1000 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा वो अवेलेबिलिटी लाजिम होती है. इस रिपोर्ट में असेसमेंट की गई है मुख्तलिफ माहरीन की जानिब से कि अगर यही सूरत हाल रही तो 2025 तक पानी की फीकस दस्तियाबी 800 क्यूबिक मीटर तक रह जाएगी. हंगामी इकदाम करने की ज़रूरत है. उसके साथ बताया गया कि वाटर मैनेजमेंट की अशद ज़रूरत है, नए डैम्स बनाने की अशद ज़रूरत है. उसके बाद जो एक और बड़ा पॉइंट टेकअप किया गया कि पाकिस्तान को फौरी तौर के ऊपर ना सिर्फ भारत बल्कि अफगानिस्तान के साथ भी ये मामला उठाना चाहिए, और वहाँ पर जो मुख्तलिफ मनसूबे बन रहे हैं उनका रियल टाइम पाकिस्तान के पास डाटा होना चाहिए, स्पेशली पानी की इनफ्लोज का, क्योंकि भारत और अफगानिस्तान जो पाकिस्तान के दरियाओं के ऊपर मुख्तलिफ मनसूबे बना रहे हैं, उसकी वजह से मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान को बहुत सी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा. पानी का वो आलमी माहौलों के मुताबिक भी और इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक भी भारत या अफगानिस्तान रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बना सकते, लेकिन पानी का भाव मुतासर नहीं होना चाहिए. लेकिन पिछले 20 से 25 साल का रिकॉर्ड ये बताता है कि भारत जो रन ऑफ द रिवर मंसूबे इस तरीके से बनाता है कि पानी को डाइवर्ट करता है, उससे पाकिस्तानी दरियाओं का में पानी का भाव मुतासर हो रहा है, इसको टेकअप करना चाहिए. उसके साथ मुस्तकबिल में खुराक की किल्लत, पानी की शॉर्टेज से बचने के लिए कहा गया कि हमें ना सिर्फ छोटे डैम्स बल्कि बड़े डैम्स भी फौरी तौर के ऊपर तमीर करना चाहिए. ये वो सिफारिशात हैं जो गुज़श्ते 4 माह से नेशनल वाटर पॉलिसी की शक्ल में तैयार हो चुकी हैं, लेकिन इसके ऊपर उस तरीके से अभी तक तवज्जो नहीं दी जा रही. सही है, ठीक है, तवज्जो नहीं दी जा रही. दूसरी तरफ हम भारत के इल्जाम भी देख रहे हैं, और उसके बाद फिर उनके दावे भी देख रहे हैं. बूंद बूंद को दर्शाएंगे, ये नरेंद्र मोदी कहते हैं, कोई और नहीं कहता, कोई गैर जिम्मेदार शख्स नहीं कहता, उनके प्राइम मिनिस्टर कहते हैं. और यहाँ आज जाके हम वाटर पॉलिसी बनाने के ऊपर हम आमादा हुए हैं इस चीज के ऊपर, लेकिन वाटर पॉलिसी बना लें और उसकी इंप्लीमेंटेशन ना, वही बात हो जाती है राव साहब के, कागज तो बड़े खूबसूरत लगते हैं लेकिन ऑन द ग्राउंड कुछ नहीं नजर आता. यही हुआ है पीने के बारे में, पीने के पानी के बारे में 2009 में पीपल्स पार्टी के दौर में बड़ी कम्प्रीहेंसिव एक पॉलिसी बनाई गई, उस पर क्या अमल हुआ? वो 70% वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं जिसको रोका जा सकता है इसके जरिए. चलो 70 नहीं तो आप कम अज़ कम उस पर 30% भी रोक लें तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा. हेल्थ के बजट में आपको 120 से 30 बिलियन तकरीबन 112 बिलियन सालाना आपको खर्च करना पड़ता है ये वाटर बॉर्न डिजीजेज के हवाले से, लोगों की सेहत पे जो आप दे रहे हैं, मुख्तलिफ सूबे दे रहे हैं या मरकज़ दे रहा है या बाहर से जो एड आ रही है, तो उसमें बहुत बचत हो सकती है. उसको आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया, और अब ये दूसरी जो सूरत हाल है इस पर एक बहुत बुनियादी चीज़ जहन में रखने की,
हमारे जितने वाटर रिसोर्सेज है उसकी ओरिजिनेशन पाकिस्तान के अंदर से नहीं, पाकिस्तान के बाहर से। सही, ठीक है। दूसरा अफगानिस्तान का जिक्र किया, काबुल के ऊपर हमारा कोई एज सच फॉर्मल एग्रीमेंट अभी नहीं है, रन ऑफ द रिवर के ऊपर सारा वो अब हमें करना चाहिए, इस पर फौरी तौर पर कुछ ना कुछ करना चाहिए। वो किसी वक्त भी तो इंडिया बड़ा फोर्स कर रहा है उनको डैम शेप बनाने के लिए, वाटर रिजर्वर बनाने के लिए काम शुरू हो गया वहां। हाँ, अगर हम उससे पहले रन ऑफ द रिवर वाली जो कंडीशन हमने इंडिया के साथ तय की हुई अगर वहां पर नहीं करते, इंडस वाटर ट्रीटी की तरह की ट्रीटी नहीं करते, तो किसी वक्त भी बड़ा डैम बना के काबुल जो है सिंध मेन एक दरिया है जो हमारा सबसे मेन कह लेके जो हमें प्रोवाइड कर रहा है पानी, या झेलम किसी हद तक, तो उसके ऊपर भी अगर काबुल के ऊपर वो बन गया तो हमारे नीचे जो लोअर रैपेरियन है उसको बड़ा नुकसान होगा, जिसमें पंजाब का बहुत सारा हिस्सा है। ये हम कच्ची कनाल की जो बात करते हैं उसके लिए पानी का इशू आपका आ जाएगा, तौसा बराज वहीं से जा रहा है। तो ये बुनियादी तौर पर से बहुत अहम चीज़ें हैं, इस पर फौरी तौर पर काम करें। फिर जो फ्लड आते हैं हमारे, जो पिछले कुछ अर्से से हम एक फिनोमेना देख रहे हैं, अचानक बारिशें होती हैं, जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एक आ रहा है वेदर चेंज के ऊपर, वो उसको टैप करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं। हम लोगों लुटपुट जाते हैं, घर तबाह हो जाते हैं, घरों के अंदर पानी घुस जाता है, बेचारे आबाद होते हैं तो उनको साला साल लग जाते हैं। हम इस वो एक ऐसी चीज़ है जो कालाबाग डैम के लिए आप बड़ा अच्छा आर्गूमेंट डिवेल्प कर सकते हैं, मर्दान वगैरह के इलाके, नुशहरा के इलाके के लिए, कि वहाँ पे कालाबाग डैम की कितनी इंपॉर्टेंस है ये फ्लड को जो उनको नुकसान होता है उसको रोकने के लिए, इसको टैप करना चाहिए सारे रिसोर्सेज को, वरना ये कर्जों से भी ज्यादा। राव साहब, कालाबाग डैम बनाने के लिए आर्गुमेंट या फिर लॉजिक की जरूरत नहीं, उसके लिए सिर्फ विल की जरूरत।